आज हम मोहन थाल बनाएंगे। उसके लिए 1 कप बेसन लिए हैं, आधा कप दूध लिए हैं, आधा कप चीनी लिए हैं। जितना हम बेसन लेंगे उसके आधा दूध लेंगे और आधा चीनी लेंगे। बेसन को हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 4 चम्मच घी डाल लेंगे। घी को हम पहले ही गर्म करके ठंडा कर लिए हैं। इसी में हम 2 चम्मच दूध डाल लेंगे। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 10 से 12 मिनट ढक करके रख देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। पैन में हम चीनी डाल लेंगे। जितना हम चीनी लिए हैं उसी कप से उतना ही पानी डाल लेंगे। देख सकते हैं कि चाशनी अच्छे से उबल रहा है। इसमें हम फूड कलर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तभी डालें। फूड कलर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आप बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। चाशनी को हम हाथ से चेक कर लेंगे। 1 तार आने तक चाशनी को हम पका लेंगे। चाशनी अच्छे से पक गया है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। बेसन को मिक्सिंग जार में निकाल लेंगे और इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम ग्राइंड कर लिए हैं। देख सकते हैं कि बेसन बहुत ही दानेदार हो गया है। अब हम इसका मोहन थाल बना लेंगे। घी को हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें बेसन डाल लेंगे। जितना हम बेसन लेंगे उसके आधा घी लेंगे। सारे घी को एक साथ नहीं डालेंगे। बेसन को भूनते हुए 4 मिनट हो गया है। देख सकते हैं कि पहले से इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम 2-2 चम्मच करके दूध डालेंगे। सारे दूध को एक साथ नहीं डालेंगे, 2 चम्मच दूध डालेंगे। उसके बाद इसे भून लेंगे। जैसे ही अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद हम इसमें और 2 चम्मच दूध डालेंगे। इसी तरह से सारे दूध डाल करके हम भून लेंगे। देख सकते हैं कि सारे दूध डाल करके हम भून लिए हैं और बेसन का कलर भी अच्छा आ गया है। इसे हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं। बेसन को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। अब इसमें हम चाशनी डाल लेंगे। चाशनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लंग्स न रहे। चाशनी डालने के बाद हम इसे 2 मिनट और पका लेंगे। देख सकते हैं कि बेसन अच्छे से सूख गया है। आप इसे केक टिन में या थाली प्लेट किसी में भी निकाल सकते हैं।
इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। केक टिन में हम पहले ही बटर पेपर लगा करके ऊपर से घी लगा लिए थे। अब हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसे रखे हुए 6 घंटा हो गया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे पलट करके बटर पेपर को भी निकाल लेंगे। देख सकते हैं कि देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसे छोटा छोटा पीस में काट लेंगे। आप अपने पसंद से इसे काट सकते हैं। बड़ा पीस पसंद है तो आप बड़ा काट लें। आप इसे कोई भी फेस्टिवल में भी बना करके खा सकती हैं। ये बहुत ही जल्द बन जाता है और खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे दिवाली में भी बना करके खा सकते हैं। आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना, और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।